नजारा बहुत अच्छा है, देख सकते हैं आप इस तरह से, मेरे पीछे भी देख सकते हैं सुबह कितना कितना पहाड़। गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग नज़ारे को देख सकें। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैंने सोचा अभी यहाँ से रास्ते से जा रहा था कि एक ब्लॉग बना दूँ आपके लिए। यहाँ का नज़ारा मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर जहाँ देखे वहाँ पर एक कोहरा ही कोहरा है, यहाँ पर पूरा रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा, पूरा रास्ता बंद हो चुका है। आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कोहरा पूरा आया हुआ है और ये यहाँ पर छोटा कश्मीर बन चुका है, जिस तरह कश्मीर में होता है ना गाइस उसी तरह यहाँ पर हो चुका है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाऊंगा और ये परभनी का लड़का भी अपना वीडियो शूट कर रहा है, ये पूरे रास्ते से वीडियो शूट करते आया, बहुत मेहनत कर रहा है मेरा भाई ये तो। रात में हम पूरा पानी रात में वीडियो शूट करा भाई, नहीं ये पूरे पानी के अंदर, तो इसको जरूर जरूर सपोर्ट करना और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करना। और रात में पूरा भीग गए थे हम पानी से, तो हमको वहाँ रुकना पड़ा, अभी हम वापस जा रहे हैं और अभी कुछ मतलब नहीं। आगे जाएंगे, पूरा रास्ता ही यहाँ पर देखिए गाइस किस तरह से पूरा रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है सामने, किस तरह जाना पता नहीं, तो मैंने सोचा कि पूरा खेत है और खेत के अंदर कुछ पेरा हुआ है लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा आपको, नजर आ रहा है कुछ यहाँ पर झाड़ वगैरह पेरे हुए लेकिन कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। देख सकते हैं आप इधर पीछे भी किस तरह से पूरा चारों तरफ आप देख सकते हैं ये पूरा धुई धुई बची हुई पूरा, और रास्ता तो कुछ नजर नहीं आ रहा, ऐसा मालूम हो रहा है कि भाई आसमान जो है ना बादल सड़क पर आ चुका है, मगर ये शेतकरी लोग अभी भी अपने काम पे लगे हुए हैं और जा रहे हैं खेत के अंदर, बहुत मेहनत करते हैं किसान लोग। जब हम जाकर हम तक वही रात में जो आंधी था तूफान था तो उसका असर आप देख सकते हैं सड़कों पे किस तरह से यहाँ पर झाड़ गिर चुके हैं, और ये झाड़ यहाँ का नहीं है गाइस, कम से कम वो खंभे के पास से झाड़ आके यहाँ पर गिरा है ये और बहुत देख सकते हैं पूरा रास्ते में ब्लॉक बन चुका है ये, और इधर साइड का है ये इधर साइड का झाड़ यहाँ पर आके गिरा है, देख सकते हैं ये पूरा झाड़ यहाँ पर गिर चुका है और भी बहुत सारे झाड़ यहाँ पर गिरे हैं और ये बहुत रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका है। तो गाइस बहुत ही यहाँ पर जो रात की जो बारिश थी ना बहुत खतरनाक बारिश थी और हवाएं भी बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आसपास में पूरे झाड़ गिर चुके हैं, और ये देखिए आप यहाँ कोहरा लगा हुआ है लेकिन ये जो सूरज की किरणें जो निकल रही हैं यहाँ से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। और देख सकते हैं आप ये इधर भी झाड़ गिरे हुए हैं, वहाँ पर आगे भी झाड़ गिरे हुए हैं और यहाँ पर रास्ता ब्लॉक हो चुका है पूरा, और बहुत रात में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी यहाँ पर, अभी बारिश तो कुछ दिनों से हो नहीं रही थी लेकिन जो रात की बारिश थी ना बहुत ज़्यादा तेज़ थी। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे बहुत बड़ा झाड़ है गाइस, आपको वीडियो में ठीक से नज़र नहीं आएगा लेकिन ये बहुत बड़ा झाड़ है, वो वहाँ पर उसका पेड़ है गाइस और वो उस साइड से आके इधर गिरा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर कुछ झाड़ अभी भी खड़े हुए हैं लेकिन कुछ झाड़ गिर चुके हैं वहाँ आगे भी, वहाँ पर देख सकते हैं आपको नज़र आएगा वहाँ आगे भी झाड़ गिर चुके हैं और उससे आगे भी झाड़ गिर चुके हैं, बहुत ही तेज़ बारिश थी गाइस ये, आप देख सकते हैं इधर भी पूरा यहाँ पर पूरा रास्ता ही आपको नज़र नहीं आएगा, पूरा एकदम धुई धुई सा पूरा हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि आगे जाएंगे तो एक बादल है वहाँ पर लेकिन पूरा रास्ता यहाँ पर ये हो चुका है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप आगे भी वहाँ झाड़ गिरे हुए हैं, तो बहुत ही रात में बहुत ज़्यादा अब आगे का रास्ता हमको तय करना है। जब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर, और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक करना, शेयर करना और सपोर्ट अपना बनाए रखना। चलिए चलते हैं।